यू मियो टीवी पे आज हम पहुंच गए हैं कार्तिक पूर्णिमा के सेट पे। जी हाँ, प्रोमो बड़ा ही पसंद आया था हम लोगों को और आपको भी बहुत पसंद आया था, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ पूर्णिमा और कार्तिक से। आपका बहुत बहुत स्वागत है यू मियो टीवी पर। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग, कैसा फीडबैक मिल रहा है प्रोमो का आप लोगों को? बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब मेरा तो फर्स्ट शो है तो मेरे लिए तो नई फीलिंग है। और हम जैसे ऐसे शूट करें वैसे वैसे दिन कम हो रहे हैं, तो अब कभी 10 दिन कभी 8 दिन, तो एक्साइटमेंट बहुत है। आई थिंक वो अंदर एक जो बटरफ्लाई होते हैं ना, वो ऐसे 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 भाग रहे हैं क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद हम सब आपसे मिलेंगे और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। टॉकिंग अबाउट पूर्णिमा का कैरेक्टर, हमने वैसे तो देखा ही है पर अगर आप हमें थोड़ा सा बताना चाहें तो। पूर्णिमा के कैरेक्टर एक बहुत प्यारी लड़की है जो अमृतसर से है, जो बचपन से ये सीखते हुए बड़ी हुई है कि लोगों को लोग जो है ना वो हमेशा खुशियाँ अपने में रखते हैं, बांटते नहीं है, लेकिन वो ये मानती हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो वो सबसे पहले लोगों को खुश करती है, अपने बारे में सोचती है लेकिन उससे पहले लोगों के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि अगर हम लोगों की मदद करेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे तो शायद इस तरीके से वो खुश होती है, तो शायद अपनी खुशी इस तरह से वो बयां करती है। बहुत प्यारी लड़की है। उसको ये लगता है कि जो रंग हैं, जो लोगों की बाहर की खूबसूरती है, वो उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि उसका जो रंग है, लोगों ने बहुत ताने मारे उसकी वजह से, लेकिन उसे लगता है कि वो आशीर्वाद है उसकी माँ की, क्योंकि उसका उसको ये रंग उसकी माँ से मिली है। तो वो ये ज़्यादा मानती है कि लोगों की जो अंदर की खूबसूरती होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आई थिंक आप सबको बहुत प्यारी लगेगी वो। हर्ष, व्हाट यू वांट टू से अबाउट कार्तिक्स कैरेक्टर? इज अ सर्जन। जी, तो कार्तिक जो कैरेक्टर है वो इमोशनली मैं उससे बहुत सिमिलर हूँ। हर्ष और कार्तिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत ही रूहानी है, बहुत ही केयर करता है लोगों की, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, बहुत स्पिरिचुअल है। वो काम इसलिए नहीं करता कि उसको पैसे कमाने या फिर यू नो कोई डेजिग्नेशन है, कोई गोल है, उसके लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लोगों की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली में 10 लोग भी हैं तो वो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 4 मेरे फेवरेट हैं और 6 को छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आता हूँ, सीन पढ़ता हूँ, इवन सीन्स के अंदर भी एक जेन्युइन केयरिंगनेस जो आजकल के ज़माने में खोसी गई है, वो जीने का मौका मिलता है। और ऑल्सो जो भी मैं सीन करता हूँ उसमें मैं किसी ना किसी को कोई अच्छी बात कह रहा होता हूँ, तो इस शो में अच्छा ही बहुत है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पूर्णिमा के पास कुछ सरप्राइज़ हैं जो पंजाब की गलियों में आप कुछ सरप्राइज़ देने वाली हैं, क्या है अगर आप हमें बताना चाहें? वैसे हमारे डॉक्टर कार्तिक जी जो हैं, ये लोगों की मदद करते रहते हैं, अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है, ना खाना टाइम पर खाते ना कुछ करते। तो आज मैंने सोचा कि इनको पंजाब की गलियों में लेके जाते हैं पंजाब की फेवरेट खाना खिलाने। आपको पता है वो चीज़ क्या है? परोठी। गुड वन। चलो नहीं करते, चलती। वैसे कार्तिक जी, आप मुझे बताइए आपको क्या क्या बनाना आता है खाने में? मुझे ग्रीन टी बहुत अच्छी बनानी आती है। अच्छा, और? और मुझे नींबू पानी बहुत अच्छा बनाना आता है। और मुझे ब्लैक टी बनी जाती है, वो डिप डिप वाली, वो भी बनी जाती है। और कुछ आता है जो मैं खा सकती हूँ अगर मुझे सुबह बहुत ज़ोर से भूख लगी और आपको कुछ? मैंने एक बार मैगी ट्राई की थी पर वो मतलब पानी वाली मैगी बनी थी, जैसे कि उसमें बारिश हुई हो, इतना पानी था उसमें। चलो, ये बन गया आपका स्टफिंग वाला पराठा, अब इसको पड़ेगा हमें बेलना। चलो, अब ये हो गया, अब ये डालूंगी मैं ऑयल। ये देखो बन गया हमारा गर्मा गर्म पराठे, आलू के पराठे, और ये बन गया कार्तिक जी आपके लिए। वो तो कहते हैं ना, गर्मा गर्म पराठे ठंडी ठंडी दूध के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अब ये टेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तुमने तो पंजाबी टी सीख लिया है। अच्छा है, वाह, अप्रूव्ड हो गया है। और दही भी मीठी है। पराठे बड़े ही अच्छे बनाए थे कार्तिक, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे बनाए थे, मैंने तो उनको कहा भी कि आप हर संडे आ जाएंगे बनाने के लिए।
ठीक है ठीक है, हम जरूर आ जाएं करेंगे संडेज को इनके लिए, खास करके इनके लिए पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो हमारा शो आता है तो संडे बचता है, तो संडे आप जब फ्री हो तो आप आ जाएं, तो आपको बख्शीश भी मिलेगी। ऑलराइट, लास्टली हम लोगों को प्रोमो बहुत ही पसंद आया था एंड आप लोग अब आने वाले हो जल्दी स्टार भारत पे, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? ये शो हम बहुत प्यार से बना रहे हैं, बहुत दिल से बना रहे हैं एंड मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले कुछ एपिसोड देखें और पहले कुछ देख लेंगे तो ये स्टोरी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाकी के भी देखेंगे, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत अच्छाई है तो अच्छाई को तो यू नो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।